रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो आत्माराम पांडुरंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रार्थना समाज, इसको अंडरलाइन कर लो। मैं बोल रहा था द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। जस्टिस रानाडे डॉक्टर आर जी भंडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। द अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, मतलब आइडल वर्शिप बोले तो मूर्ति पूजा, मोनोथिज्म, अपोजिशन टू रिचुअल वर द प्रिंसिपल ऑफ प्रार्थना समाज। उनके प्रिंसिपल क्या थे? अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये है PLES, सर उसको कभी एग्जाम में स्कूल प्रिंसिपल को PLES नहीं लिखना, स्कूल ये PLES बोले तो रूल्स रहते, रमैया हाथ रखते जाओ मुंह पे यॉन करते समय। स्कूल PLES बोले तो ये स्कूल प्रिंसिपल्स हो गए, सॉरी मैंने गलत बोल रहा हूँ, PLES बोले तो ये नॉन लिविंग थिंग हो गया। अब तुम स्कूल प्रिंसिपल को PLES लिख देंगे ना, तो मतलब स्कूल प्रिंसिपल नॉन लिविंग थिंग हो गया, ऐसा नहीं रहता। उनकी स्पेलिंग रहती है PRINCIPAL, वो प्रिंसिपल अलग और ये प्रिंसिपल्स अलग। हाँ, दे स्ट्रेस ऑन डिवोशन ऑफ प्रेयर्स फॉर रिफॉर्मर्स रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, ऑर्फनेज बोले तो अनाथ लोगों के लिए। वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स एंड स्कूल फॉर दलित। महर्षि विठल रामजी शिंदे अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश डिप्रेस क्लास मिशन। क्या एस्टेब्लिश करा था उन्होंने? डिप्रेस क्लास मिशन। थ्रू द मिशन एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट वाला क्या है? सत्य शोधक समाज। ओके, महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्य शोधक समाज इन 1873। सत्य शोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमंग द डिप्रेस क्लास एंड वुमेन। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक, अब वो क्या बुक लिखी थी उन्होंने, अंडरलाइन करो, ब्राह्मणाचे कसब और गुलामगिरी। कितने बुक लिखे थे? शेतकऱ्याच्या असूड एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। ही सिवियरली क्रिटिसाइज द ट्रेडिशन एंड कस्टम दैट मेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन और रादर ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ। अब नेक्स्ट वाला है आर्य समाज। रिज्यूम कर रहा हूं, आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज उन्होंने फॉर्म करा था। स्वामी दयानंद सरस्वती तो बहुत बार आए हुए, बहुत बार आए हुए बोले तो एक ही बार आए हुए दुनिया में, क्वेश्चन में बहुत बार आए हुए। ही रोड बुक, उन्होंने भी बुक लिखी थी। सबको बुक लिखने का बहुत शौक था, हमारे से तो हमारी नोटबुक ही पूरी भरी नहीं जाती, ये तो दो दो तीन तीन बुक लिख डालते थे। एज अ कंटेम्प्रेरी ऑन वेदिक एंशियंट वेदिक रिलीजन इज ट्रू रिलीजन विच हैज नो प्लेस इन फॉर कास्टिज्म। जाति ही एसर्टेड दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी, सब समान चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, आदमी औरत में कुछ भेदभाव नहीं चाहिए, सब इक्वली चाहिए। जो हमारे कास्ट सिस्टम थे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, चार कास्ट सिस्टम थे, ऐसे नहीं। शूद्र लोगों को भी टच करने का अधिकार है, शूद्र लोगों को भी सब चीजों का अधिकार है। गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वेर अपोस्ट ऑल ओवर इंडिया। मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेर एस्टेब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज। अभी नेक्स्ट वाला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद अ क्लोज डिसाइपल ऑफ राम कृष्ण परमहंस। डिसाइपल बोले तो उनका भक्त, हाँ, उनका शिष्य। इन 1897 रामकृष्ण मिशन वर्क फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। द मिशन वर्क फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमाइन स्ट्रिकन। आई एम रिज्यूमिंग।
Ramakrishna mission work for the service of the society. The mission work for providing help to the famine stricken people, patients, medical help to the poor, female education and spiritual growth. Swami Vivekananda was an excellent orator bole to excellent speech deta tha. Ladies and gentlemen, ye word Swami Vivekananda ne hi bola tha sabse pehle baar. Bhaiyo aur bahno, he attended the Parliament of Religion at Chicago in 1893 as a representative of Hinduism. Arise, awake and stop, not till the goal achieved. ऐसे किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने यूथ को मैसेज दिया था. अब नेक्स्ट वाला क्या है? सोशल रिफॉर्म अबाउट अमंग द सिख्स, SIKH है वो. द सिंह सभा वॉज एस्टेब्लिश एट द अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म इन सिख रिलीजन. This institute work for spread of education among the Sikh community and bring in modernization, modern khayalat unke among them. Hello. Later the Akali movement continued the tradition and reformation. Emancipation of women. What is the meaning of emancipation? Malum hai? Nahi malum hai. लिबरलाइजेशन उसका मतलब होता है लिबरल, फ्री, फ्रीडम. अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो लिख डालो उसके ऊपर. अब वुमेन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी मिजरेबल. दे हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. चाइल्ड मैरिज, डाउरी, दहेज प्रथा सिस्टम, सती, केशवापन मतलब टकला कर डालना पति मरने के बाद. अगर क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे को संतान नहीं है कुछ भी तो तुम्हारे को उसके साथ है ना चिता पे जाना पड़ेगा. अगर नहीं है, अगर है तो तुम्हें टकला करना पड़ेगा. अपोजिशन टू विडो रिमैरिज, विधवा की कोई शादी नहीं होगी दूसरी. सच कस्टम प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी. द देन गवर्नर लॉर्ड बेंटिक टुक हेल्प ऑफ द सोशल रिफॉर्म लाइक राजा राम मोहन रॉय टू पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट. गोपाल हरी देशमुख पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी एडवोकेटेड जनरल इक्वालिटी थ्रू द राइटिंग ऑफ इन फिर से एक बुक का नाम है. अरे ये पेपर का नाम है शतपत्र. इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स एट भिडे वाड़ा इन पुणे. His wife Savitribai Phule supported him. Savitribai Phule had to face great criticism from the society, but she continued to work in education. Mahatma Phule established the Bal Hatya Pratibandhak Gruha in the house, in his own house. Mahatma Phule ne chalu kara tha unke isme. He conducted a strike of barbers against the custom and of shaving the heads of the widows. For gaining permission to widow remarriage, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, Vishnu Shastri Pandit and Vireshalingam took up special effort. In the newspaper, Sudharak Gopal Ganesh Agarkar gave his staunch opinion about child marriage. Practice of Devashi. In her book Stri Purush Tulna, ye bhi book ka naam hai, Tarabai Shinde very fiercely put up her view about women's right. Maharshi Dondoba Karve started the Ananta Balikashram for an orphanage for a girl. Orphanage bola to anathalay. Sorry. His intention was to give education to all women and make them stand on their own feet. अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना था. थ्रू दिस एफर्ट्स द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप इन 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी बोले तो पीरियड ऑफ 1901 टू लेके
2000 तक पंडित रमाबाई फाउंडेड द शरद शरदा सदन एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड वुमेन. रमाबाई रानाडे थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स ऑफ वुमेन. शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन थ्रू आर्टिकल. डॉक्टर अंबेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन. महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन. वुमेन हैज गिवन वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम. आजादी के टाइम भी वुमेन का वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन था. वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प इन क्लोजिंग डाउन एंड मेनी अनजस्टिस प्रैक्टिस इन द सोसाइटी. द वॉइस फॉर प्रॉब्लम अगेंस्ट द वुमेन ब्रोक आउट. वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग. देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ फ्लरिश ड्यू टू एजुकेशन. पढ़ाई की वजह से इसलिए बोलते पढ़ते जाओ. इफ द जस्टिस रिफॉर्म हैज नॉट स्टार्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन एट प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ ऑफ द इज सीन इन द वुमेन. वुमेन को हर फील्ड में अधिकार है. अभी अपने प्रेसिडेंट भी वुमेन थी पहले. डू यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर टेकिंग फर्दर एफर्ट्स रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ वुमेन. If yes, then what efforts to be taken? क्या क्या एफर्ट देना चाहिए?